नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। आज की दोस्तों जो जॉब है वो निकली है विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश पे, यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें कि सभी भारतीय ऑनलाइन मोड से आवेदन जो है वो कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन कर देना। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये आपके लिए अच्छा अवसर जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो दो पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 से ज़्यादा है। पीएन के लिए जो है 57 है, बाकी तामिल कर्ता यानी कि ऑर्डर टेकर के लिए 74 जो है वे वैकेंसीज हैं। 7 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका जो एप्लीकेशन गलत हो जाती है उसको ठीक करने तक की डेट जो है वो 9 फरवरी है, यानी कि आप जो है 9 फरवरी तक इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में दूंगा पूरी इंफॉर्मेशन, साथ ही बताऊंगा सही तरीका जो है वो वीडियो के लास्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो ध्यान से देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बाकी इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप अगर SC ST से हैं और बाहर की स्टेट से हैं तो आपको जनरल बन के जो है आवेदन करना पड़ेगा। बाकी मध्य प्रदेश स्टेट के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन जो है वो हर चीज़ में मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जो परीक्षा शुल्क है यानी कि आपकी एप्लीकेशन फीस है, उसमें किसी भी तरह की रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं दी गई है। 100 रुपये की फीस SC ST को भी और जनरल कास्ट और OBC को भी फिल करनी है। ऑनलाइन मोड से जो है वो पे करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यार हमारे से जो है फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो रहा है, तो ये कुछ जो है वो नंबर्स लिए गए हैं ऑनलाइन नंबर्स, यहाँ पे कॉल करके आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो है सैलरी की। तो 15,500 से लेके 49,000 तक आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी, चाहे आप PN के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ऑर्डर टेकर यानी कि आदेश तामिलकर्ता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 8वीं पास मांगा गया है, लेकिन अगर आपने 10वीं करी हुई है, 12वीं करी हुई है, तो भी आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। 8वीं कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12वीं भी करी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी संस्थान से अगर आपने जो है 8वीं करी हुई है आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 7 फेब्रवरी है। बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 100 से ज्यादा है। 57 जो है वो PN के लिए है और बाकी अगर 74 जो है वो है आदेश तामिलकर्ता यानी कि ऑर्डर टेकर के लिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी एज की। तो एज क्राइटेरिया दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि आपकी जो एज है 18 साल कम से कम होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल अगर आप जो है वो मेल कैंडिडेट हैं। बाकी फीमेल के लिए 45 ईयर रखी गई है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर जो है वो रीड करिएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दिया जाएगा, यानी कि अगर आप बाहर के स्टेट से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। और इसमें किसी भी तरह का एग्जाम आपका नहीं होगा, सीधे आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। हाँ, इंटरव्यू वाले दिन आपका कुछ एग्जाम ले लें तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की जो चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है कि ये रिटर्न एग्जाम जो है आपका होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं ले चलता हूँ आपको उनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर, बता देता हूँ कि आवेदन जो है वो कैसे करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक मैं ठीक नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करेंगे सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको ये सारा फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो क्लिक कीजिएगा, या आप जो है वो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस बनी हुई है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर जो है वो रीड करिएगा। यहाँ पे आपको जो अपना जाति वर्ग जो है वो बता देना है। बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कुछ इतना डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है कि आप नहीं भर सकें। अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको जो है वो नहीं समझ आता है तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।